वेलकम टू इजी एंड टेस्टी। आज हम लोग बनाएंगे कढ़ाई पनीर। बहुत ही आसान स्टेप से रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर बनाने के लिए शुरू करते हैं। पैन में 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 4 साबुत लाल मिर्च को भून लीजिए। अब इसे ठंडा होने पे पीस लेना है। अब पैन में 1 चम्मच घी में 5 से 7 साबुत लहसुन की कली, थोड़ी सी चॉप्ड अदरक और 1 मीडियम साइज के चॉप्ड प्याज को भून लीजिए। सुनहरा होने पे अब इसमें 2 मीडियम साइज के चॉप्ड टमाटर ऐड करिए। टमाटर के गल जाने पे अब इसमें थोड़े से काजू ऐड कर दीजिए। इसे भी अच्छे से भून लीजिए। इसे ठंडा होने पे पीस लेना है। अब पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करिए। इसमें 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च और 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करिए। उसे अच्छे से चला लीजिए। अब इसमें 1 मीडियम साइज का चॉप्ड प्याज ऐड करिए और इसमें 1 चॉप्ड शिमला मिर्च ऐड करिए। इसे अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो प्यूरी हम लोगों ने तैयार करी थी उसे इसमें ऐड करना है और जो सूखा मसाला तैयार किया था उसको ऐड कर दीजिए। अब इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करिए। अब इस ग्रेवी को भून लेना है। ग्रेवी को लगातार चलाते हुए जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक इसको भून लेना है। अब इसमें उतना पानी ऐड करिए जितनी कंसिस्टेंसी आपको ग्रेवी की रखनी है। अब इसमें पनीर ऐड करिए। अब पनीर को इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लीजिए। अब इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। मैंने इसमें 4 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करी है। इसे भी मिक्स कर लीजिए। ये कढ़ाई पनीर तैयार है। सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और चॉप्ड हरी धनिया ऐड करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।